तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ मौजूद हूँ। मेरा नाम है सत्य और आप लोग देख रहे हो क्रिकेट ओडिशा 24 चैनल। तो गाइज आज भिड़ने वाले हैं इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका की मैच होने वाले आज, और मैच से पहले आप सभी को कुछ अपडेट के बारे में हम लोग बताएंगे। तो आप लोगों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आज मुकाबला होने वाला है दोस्तों दोनों टीम के अंदर, जो कि इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका के अंदर जो कि मुकाबला होने वाला है, उसी से जुड़ी कुछ अपडेट आप सभी के साथ मैं देना चाहूँगा। जो कि पहले आप सभी के लिए को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज 28 सितंबर जो कि 2022 पहला T20 जो कि खेला जाएगा, टॉस कार्यक्रम होगा 6:30 PM पर, और दोस्तों मैच की पहला गेंद डाला जाएगा 7 PM पर। इस मैच की वेन्यू की बात करेंगे तो ग्रीनफील्ड स्टेडियम जो कि इंडिया पर खेला जाएगा, और टीम की बात करें तो दोनों टीम के अंदर लास्ट फाइव मैचों में से दोनों टीम के अंदर क्या क्या पगड़ा भारी रहा। और टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया ने लगातार 3 मैच जीतते हुए नजर में आए, उसके बाद 2 मैच हारते हुए नजर में आए लास्ट 5 मैचों में से। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने लगातार 4 मैच के साथ 1 मैच उन्होंने हारते हुए नजर में आए, और लास्ट 10 मैच की बात करेंगे तो दोनों टीम के अंदर कंपेरिजन करेंगे तो दोस्तों लास्ट 10 मैचों में से दोनों टीम में जो कि सेम पोजीशन पे है, जो कि इंडिया 5 जीता और साउथ अफ्रीका ने भी 5 जीता। उसके बाद दोस्तों आती है इस पिच की क्या खासियत है, इस पिच पर क्या गेंदबाजी को अच्छा मिलता है, और क्या बल्लेबाजी पिच है या फिर गेंदबाजी से भरी है पिच है, और इस पिच पर कितने विकेट जो कि पेच जो कि तेज गति रफ्तार से बॉलिंग करने वाला है, जो कि फास्ट बॉलर को मिलता है, और जो कि स्पिन बॉलर को कितना विकेट मिलता है। तो गाइस मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो कि पिच रिपोर्ट के अनुसार जो कि लास्ट 10 मैचों में से जो कि पिच रिपोर्ट आती है दोस्तों 48% जो कि मिलता है दोस्तों फास्ट बॉलर को, जो कि 15 विकेट अभी तक मिल चुका है, और स्पिन अटैक को दोस्तों अभी तक जो कि 52% मिल चुका है, जो कि स्कोर और 16 विकेट उनको मिल चुका है जो कि स्पिन अटैक को। यहाँ पर देखें तो दोस्तों स्पिन अटैक को थोड़ी सी बहुत ही बड़ा सफलता मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो लास्ट जो कि 2 मैचों में से जो कि अपडेट आ रही है दोस्तों, यहाँ पर जो कि इस पिच पर दोस्तों पहले बल्लेबाजी करके 50% जो कि विनिंग परसेंट मिलता है, तो जो कि पहले गेंदबाजी करके भी 50% जो कि विनिंग परसेंट मिलता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो दोनों टीम के अंदर क्या प्लेइंग 11 रहने वाला है। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और चलिए हम लोग जानते हैं कि दोनों टीम के अंदर क्या प्लेइंग 11 रहने वाला है दोस्तों। टुडे मैच पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आप सभी को शायद दिखाई देंगे। केएल राहुल नंबर 1 पर, नंबर 2 पर रोहित शर्मा जो कि कप्तानशिप संभालेंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक, नंबर 6 पर अक्षर पटेल, नंबर 7 पर हर्षल पटेल, नंर 8 पर दीपक चर, नंबर 9 पर जबसदी उमरा, नंबर 10 पर हर्षल पटेल, लास्ट प्लेयर युजवेंद्र चहल को लेकर। और दोस्तों साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले नंबर पर क्विंटन डी कुक शायद हम सभी को दिखाई देंगे, और उसके बाद 2 नंबर पर रिजा हेंड्रिक्स, उसके बाद दोस्तों टेम्पा बबुमा, एडम मक्रम, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टूव्स, डोवेन फिटेरेस, कॉगिस जो कि दिखाई देंगे, केशव महाराज दोस्तों, कॉगिसो रबड़ा, आनरिच नोकिया, और उसके बाद दाब्रड सामसी को लेकर साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के खिलाफ उतरने वाले हैं टुडे मैच। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रिकेट ओडिशा 24 चैनल।